मवेशियों की बीमारियों के पेश नज़र सिंध के चार अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। थरपारकर, बदीन, मीरपुर खास और उमरकोट में एमरजेंसी कैंप भी लगा दिए गए हैं। एमरजेंसी कैंपों में मवेशियों की वैक्सीनेशन की जाएगी। आज़ाद नोहड़ियों से मजीद जानते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में मानसून की बारिशों के पेश नज़र सिंध के चार ऐसे अजला हैं जहाँ पर मवेशी, जिसमें गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़े शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल चुके हैं। इस सूरत के पेश नज़र सिंध सरकार ने चार अजला हैं जिसमें मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में एमरजेंसी नाफिज कर दी है और 7 मुकामत पर एमरजेंसी कैंप्स कायम किए गए हैं। वहाँ पर 22 से ज्यादा डॉक्टर और वेटनरी जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर तैनात किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजाद नोहड़ियो आप। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में मानसून की बारिशों के पेश नज़र सिंध के चार ऐसे अजला हैं जहाँ पर मवेशी, जिसमें गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़े शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल चुके हैं। इस सूरत के पेश नज़र सिंध सरकार ने चार अजला हैं जिसमें मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में एमरजेंसी नाफिज कर दी है और 7 मुकामत पर एमरजेंसी कैंप्स कायम किए गए हैं। वहाँ पर 22 से ज्यादा डॉक्टर और वेटनरी जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर तैनात किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजाद नोहड़ियो आपका।